नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मिले दो कोरोना पॉजिटिव, ऑरेंज जोन पर चढ़ा रेड जोन का रंग। टाटा स्टील्स के सौजन्य से मित्तल स्टील्स भिवानी ने किया मीडिया से जुड़े कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। भिवानी दादरी रोड पर पड़ा हजारों टन कचरा, अब होगा कचरे का सेग्रीगेशन, नगर परिषद ने किए टेंडर जारी। दादरी गेट लक्ष्मी नगर क्षेत्र में सीवरेज की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी ने की नारे। लॉकडाउन के चलते दुकानदारों को मिली राहत, रविवार को भी खुलेंगे बाजार। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में तो काफी छूट मिल रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने की कोशिश कर रहे भिवानी में रेड जोन ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया है। शनिवार को भिवानी जिले में दो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए, जिनमें एक युवक तिगड़ाना से व एक महिला रेवाड़ी खेड़ा की है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से इनके परिजनों को क्वारंटाइन कर दिया है। भिवानी में लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। भिवानी में आज दो नए मरीज और आए हैं, दोनों ही गुरुग्राम के संपर्क के बताए गए हैं। मरीज जो कि मूल रूप से तिगड़ाना का निवासी है और गुरुग्राम पुलिस में तैनात है, इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इसने भिवानी फ्लू कॉर्नर पर अपनी जांच करवाई थी। आज सुबह ही इसकी रिपोर्ट आई है। महिला जो कि रेवाड़ी खेड़ा गांव की रहने वाली है, वह गुरुग्राम से आई थी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल में उसकी जांच रिपोर्ट में भी वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना के नोडल अधिकारी राजेश ने बताया कि भिवानी में आज दो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, उनके परिवार के लोगों की जाँच भी की जाएगी। वहीं दोनों मामले थाना सदर पुलिस के अंतर्गत आते हैं। थाना सदर प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि सरकार के आदेशों के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ सभी गांव में पहुंचे हैं और परिवार के लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला मूल रूप से खानसा गांव की रहने वाली है और इन दिनों अपनी बेटी के पास आई हुई थी, कोरोना पॉजिटिव मिली है। गाँव की नाकेबंदी की गई है और सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। वहीं आपको बतला दें कि भिवानी जिला ऑरेंज जोन में आता है, जबकि दिल्ली व गुरुग्राम हम दोनों ही रेड जोन में आते हैं। और भिवानी में जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, उन सभी का दिल्ली व गुरुग्राम से नौकरी या फिर रिश्तेदारी का नाता रहा है। लगता है कि कानून के रक्षक ही कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। परिणाम आप देख ही रहे हैं कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ कर्मचारी अपने घरों की ओर आवागमन कर रहे हैं। वो झाड़सा गांव से गुड़गांव से ट्रैवल हिस्ट्री है, वो हमने रेंडम सैम्पलिंग की अच्छी चांग में की तारीख को करवाई थी जिसमें पॉजिटिव आया। उसी के तौर एहतियात के तौर पर उनको हमने पॉजिटिव कंफर्म वार्ड में शिफ्ट किया, ताकि उनके जितने सात लोग कॉन्टेक्ट हैं उनको हमने आइसोलेशन में शिफ्ट किया। और एक मोहित नाम का है तिगड़ाना गाँव का, तो हरियाणा पुलिस ये लोग फेज फाइव को गुड़गांव में तैनात है, वो पॉजिटिव आया। अभी हम उनकी क्लोज कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री पता लगा रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आइसोलेशन में शिफ्ट किया। कुल कितने लोगों को आइसोलेट, हमने अभी सात लोगों को आइसोलेशन में शिफ्ट किया, एक जो पॉजिटिव है वो कंफर्म पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया। पहले भी विद्यानगर के दो माँ बेटी यहाँ पर एडमिट, उनकी क्या हालत है? अभी उनकी हालत स्थिर है, सुधार है। अभी हम उन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार उनकी सेहत में सुधार हो गया। तो सुबह सूचना मिली कि तिगड़ाना गाँव में मोहित है, जो गुड़गांव के DLF फेज टू में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात, तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो यहाँ आया था 17 तारीख को, 21 तारीख को भी आया था। और एक है रेवाड़ी खेड़ा में, जो रामरति नाम की महिला है जिसकी उम्र 51 साल है, जो खानसा गांव गुड़गांव से 21 तारीख को आई थी, तो वो भी पॉजिटिव मिली है। दोनों को यहाँ, मोहित तो गुड़गांव में है और रामरति को यहाँ लाकर आइसोलेशन किया है, उसके परिवार को भी और मोहित के परिवार को सैंपलिंग करा के होम क्वारंटाइन कराएंगे।
कोरोना वॉरियर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाई है और आगे भी इसी तरह से वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। यह कहना था मित्तल स्टील के संचालक अग्रसेन मित्तल का और मौका था सम्मान समारोह का। विधायक घनश्याम सर्राफ और महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में हनुमान जोड़ी धाम में शनिवार को टाटा स्टील के सौजन्य से मित्तल स्टील भिवानी की ओर से भिवानी के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। शनिवार को हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में मीडिया ग्रुप्स व पत्रकारिता जगत से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मंदिर महंत चरणदास महाराज व भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने टाटा स्टील्स के सौजन्य से मित्तल स्टील्स भिवानी द्वारा मीडिया ग्रुप के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अग्रसेन मित्तल चरणदास महाराज द्वारा पत्रकारों व छायाकारों को सम्मान पट्टिका व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक रामतार शर्मा व अशोक भारद्वाज ने कहा कि वास्तव में पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है और ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के घरों तक पहुँचकर उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं को हलचल के माध्यम से भी पहुंचाया जाता है। इसी अवसर पर भिवानी हलचल के मुख्य संपादक प्रदीप चौहान जी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम है टाटा स्टील और भाई अग्रसेन के द्वारा ये हमारे पत्रकार मित्रों का स्वागत हुआ। इसके लिए इस परिवार को मैं बधाई देता हूँ और जिस प्रकार से हम डे बाई डे जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से सम्मानित का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। PCCI के अध्यक्ष सुरेंद्र भैया जी ने आज कहा कि मीडिया सेंटर में जाकर सभी पत्रकारों को बुलाकर हम सरकार में अमित मित्तल स्टील व टाटा स्टील की तरफ से सभी कोरोना वॉरियर्स का बधाई देता हूँ। जैसे उन्होंने इस महामारी में अपना विशेष योगदान दिया है, अपनी सहायता सभी को, प्रवासियों को, छोटे मजदूरों को जगह जगह जाकर कड़ी धूप में मेहनत करके उनका उत्साहवर्धन किया है, उनको खाना पहुंचाया है, उस सहायता के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी मीडियाकर्मी जो अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे थे इस कठिन समय में भी अपना ध्यान न रखते हुए सारी सोसाइटी का, देश का ध्यान रख रहे थे, उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लास्टिक वेस्ट न तो गलता है और जलता है तो प्रदूषण करता है, यह कहना था नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव का। उन्होंने बताया कि भिवानी दादरी रोड पर बने डंपिंग स्टेशन पर हजारों टन कचरा पड़ा हुआ है जिसको अलग अलग छटाई के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है ताकि उन्हें अलग अलग कर यहां हो रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। भिवानी दादरी रोड पर पड़े हजारों टन कचरे का अब नगर परिषद उपयोग करने जा रही है। इसके तहत नगर परिषद ने कचरे को सेग्रीगेशन करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। नगर परिषद के द्वारा जो योजना तैयार की गई है उसमें हजारों टन कचरे को अलग अलग किया जाएगा। कचरे से प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन बैग्स, कागज सहित सारे कचरे को अलग अलग किया जाएगा। जो प्लास्टिक अलग होगा उससे नगर परिषद द्वारा बेचा जाएगा उसे, और इसके द्वारा नगर परिषद की आमदनी भी होगी। इस राशि का प्रयोग नगर परिषद विकास कार्यों में लगाएगी। तथा वहीं नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। आज से लगभग एक साल पहले मैंने जब एक साल दो साल पहले लगभग तब ये देखा कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर कचरा गिराया जा रहा था तो उसको सफाई करने का एक प्लान बनाया हमने। तो उसके हिसाब से मैंने सरकार को प्रपोजल बना के भेजा जो लगभग 12 करोड़ की लागत आने वाली थी जिसको पूरा सेग्रीगेट करने के बाद प्लास्टिक अलग करके और मिट्टी अलग, खाद अलग करके यह प्लान बनाया और मैंने सरकार को भेज दिया था। तो हमारे DLB की तरफ से यह डिसाइड किया गया कि यह एक शहर के अंदर नहीं तो 12 शहरों के अंदर ऐसा जो पाया गया। अब उसकी लागत का ऑर्डर आ गया है, उसको टेंडर लगाने का ऑर्डर मिला है कि उसका टेंडर करो और पैसे भेज दिए जाएंगे। अब उसका हमने टेंडर लगा दिया है ताकि उसको बिल्कुल सेग्रीगेट करके उस जगह को यूज़फुल बनाया जा सके ताकि अगर हम उसको नीचे दबा देते हैं तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको अलग अलग सेग्रीगेट करने के बाद खाद को खाद की जगह यूज़ करवाएंगे, मिट्टी को कहीं भर्त करवा देंगे और जो भी प्लास्टिक या जो भी होगा उसको अलग से वो लेकर जाएंगे जो कंपनी टेंडर लेगी। कब से कार्य स्टार्ट हो जाएगा सर इसका? देखिए अभी टेंडर लगाया है, उसका 8 तारीख को टेंडर ओपनिंग की डेट है। देखते हैं कितनी एजेंसी आती हैं और डायरेक्ट लेवल पर टेंडर होने लग रहा है, हो सकता है वहीं से डॉक्यूमेंट जमा हो। तो अभी यह बात जिस दिन टेंडर ओपन हो जाएगा और जिस कंपनी को मिल जाएगा उसके बाद मैं क्लियर बता पाऊँगा कि कितने दिन में कार्य शुरू हो जाएगा और लगभग यह एक साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए जिस दिन से टेंडर खुल जाएगा। तो अब हमारे डायरेक्टर साहब उसका
प्रोसीजिंग में ला करके कार्य शुरू कर दिया। जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र के निवासियों ने जमकर नारेबाजी की और यहां की सीवरेज व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने की मांग भी की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि टेंडर जाने के बावजूद न तो कोई कर्मचारी या अधिकारी यहां पहुंच रहा है और न ही कोई सफाई कर्मी। ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था के कारण यहाँ जीना दूभर हो गया है। जन स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में सीवरेज की समस्या को लेकर सीवरेज की सफाई के लिए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन क्षेत्रवासी सीवरेज की समस्या से अभी भी ग्रस्त हैं। इसी कड़ी में दादरी गेट कोट रोड के क्षेत्रवासियों ने बताया कि सीवरेज की सफाई करने यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है। एक तो लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन अपने घरों में रहने के लिए सबको कह रहा है, लेकिन जब घरों में रहते हैं तो सीवरेज की बदबू से घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सभी क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाई जाए। समस्या है, प्रशासन को चाहिए कि इस सीवर को साफ सफाई करवाए और जल्दी दुरुस्त करवाए जिससे बीमारी फैलने का खतरा कम हो। क्या बोलना चाहिए समस्या के बारे में? हमारे सीवर बड़े पड़े हैं, ना खाली करवाया जाए। कंप्लेन कर रहा किया हमने कई बारी, पट्टी मार के चले जा, हर साफ ये होंगे कोनी। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के दंश से बचने के लिए बाजार बंद झेल रहे दुकानदारों को राहत मिलेगी रविवार को बाजार खोलने के आदेशों से। सरकार द्वारा आम दिनों की तरह रविवार को बाजार खुलने के आदेशों से दुकानदारों ने राहत की सांस ली और रविवार को दुकानें खुली रखने का निश्चय किया। राज्य के दुकानदारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनके लिए रविवार को दुकानें खोलकर राहत भरा कदम उठाया है। गौरतलब है कि नौकरी पेशा लोगों को केवल रविवार को ही खरीदारी करने का मौका मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते रविवार को पूर्ण रूप से राज्य में बाजारों में बंद किया गया जा रहा था। ऐसे में दुकानदारों व फल विक्रेताओं व सब्जी बेचने वाले किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब उन्हें अपनी वस्तुओं को बेचने का रविवार को भी मौका मिलेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मिले दो कोरोना पॉजिटिव, ऑरेंज जोन पर चढ़ा रेड जोन का रंग। टाटा स्टील्स के सौजन्य से मित्तल स्टील्स भिवानी ने किया मीडिया से जुड़े कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। भिवानी दादरी रोड पर पड़ा हजारों टन कचरा, अब होगा कचरे का सेग्रीगेशन, नगर परिषद ने किए टेंडर जारी। दादरी गेट लक्ष्मी नगर क्षेत्र में सीवरेज की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने की नारे। लॉकडाउन के चलते दुकानदारों को मिली राहत, रविवार को भी खुलेंगे बाजार। हमारे संग में बस इतना ही, अगले इंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।